हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अवर अनदर व्लॉग। और अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और मैं अभी दुकान खुलने का वेट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे वाइट पेपर लेना है और वाइट पेपर अभी मैं ले नहीं पा रहा हूँ क्योंकि दुकान बंद है। जैसा कि अभी देख सकते हैं, अभी सिर्फ राशन दुकान खुले हैं और होटल खुला हुआ है, स्टेशनरी अभी तक नहीं खुला है। तो मुझे वाइट पेपर लेना है, उसमें मुझे एप्लीकेशन लिखना है अपने कॉलेज के लिए, जो कि मैं पहले से एक हफ्ता लेट हो चुका हूँ एप्लीकेशन लिखने में। तो तब तक अब दुकान नहीं खुल रही, तो हम क्या कर सकते हैं, तो अब हम नहा सकते हैं क्योंकि मेरा 11 बजे से कॉलेज है। तो सोच रहा हूँ अभी नहा लूँ, लेकिन उससे पहले छोटे छोटे मेरे काम हैं कुछ और भी। और बहुत दिनों बाद मैं कोई व्लॉग शूट कर रहा हूँ, मतलब करीब 10 दिन तो ही गए हैं व्लॉग और गेमिंग वीडियोस डाले। तो लेट्स बिगिन। तो गाइस अभी बज चुके हैं 7:30। कितने बजे? 7:30 दिन में व्लॉग बना रहे? हाँ, 8 बज गए। व्लॉग बना रहे? हाँ, क्यों मन कर रहा है बस। तो दोस्तों 8 बज चुके हैं और हमारे शेड्यूल की माँ बहन हो गई है। सुबह से मैंने व्लॉग शूट करना शुरू कर दिया था, लेकिन उसके आगे मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया था। लेकिन हम कोशिश करेंगे अभी 8 बजे से हम कंटिन्यू करने की कोशिश करें। हमारे साथ अभी अप्पू जुड़ चुके हैं। अप्पू क्या हाल है? बने बने भाई लोग, बने बने नए नए कट में आ गए हम, थोड़ा बाल झाड़ी वाड़ी थोड़ा कटवा लिए। ठीक है, चाव रहा है, चलो छोड़ें, कोई बात नहीं। और दोस्तों आप जैसे देख ही सकते हैं पूरे दुकान बंद हो चुके हैं, और 7 बजे के बाद से बंद हो जाता है। हाँ, इसका दुकान खुला हुआ है, ये इसका बड़ा आदमी पुलिस वाले को पैसा खिला के रखे हुए हैं। वैसे नहीं खिलाया क्या? नहीं खिलाया, नहीं खिलाया था पुलिस वाले को, दूध लेने आता है। हाँ, पुलिस वाला इसीलिए खोला है। पुलिस वाला खुद लेट जाता है ना भाई जी। और मेरे ख्याल से होटल वाले 8 बजे तक खोल देते हैं क्या? क्या 8 बजे तक खोलते हैं क्या दुकान? हाँ, तो होटल वाले 8 बजे तक दुकान खोल सकते हैं। और वो जो आखिरी वाला दुकान है, अगर आप लोग शॉपिंग सेंटर आते हैं तो वो आखिरी वाला प्रीति होटल, जैसा कि आप देख सकते हैं भाई। ओके ओके, चलो हो गया सर आपका। और हमारे साथ अनुज आ रहे हैं पेन कॉपी लेके। आज हम स्क्रिप्ट लिखने जा रहे हैं, हमने कुछ स्टोरी सोचा है, उसका स्क्रिप्ट लिखना चाह रहे हैं। स्टोरी मैंने लिखा है, लिखा नहीं है, दिमाग में सोचा है, बस नोट बना के रखे हुए हैं, लेकिन अभी तक प्रॉपर तरीके से लिखा नहीं गया। तो आज हम उसे लिखने वाले हैं और स्क्रिप्ट भी बनाने वाले हैं। कोशिश करेंगे स्क्रिप्ट बनाने की, पहली बार हो गई। हाँ, नहीं तो नॉर्मली हमारे वीडियोज में स्क्रिप्ट नहीं होता है। यूट्यूबर बुक से जैनवीक का पहला स्क्रिप्ट राइटिंग है आज। ठीक है, हम अपना साइकिल निकालने जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास कंटेंट की कमी है। तो अब हम साइकिल ही चला के आप लोगों को मनोरंजन करने की कोशिश करेंगे। विकास भाई उल्टा बैठे। ये विकास भाई क्या लगा रखा है? चोमू नंद ये साले मेरे से 2 साल छोटा है, 2 साल 3 साल छोटा है, 3 साल छोटा है। हाँ, 3 साल हो सकता है। ये कभी हराम कर बच्चा भैया नहीं बोला मेरे को, बच्चा नहीं बोला। ये मेरे को शुरुआत में भैया बोलता था, लेकिन इस कमीने के चक्कर में भैया का आदत छूट गया इसका, क्योंकि ये बोला उसको, इसको क्या भैया बोलेगा बोला था साले कमीने, ये बोला था ना। हाँ, मैं यही बोला था। चोमू लोग को क्या भैया गाया बोलता है साले, ये व्लॉग में नहीं जाएगा, ये व्लॉग में नहीं जाएगा। मास्क की वजह से पता नहीं चल रहा है, तू क्या बोल रहा है? थोड़ा मास्क ओपन करो भाई। ये साइकिल हमने अभी लॉकडाउन में ही लिया है, मेरी बहन ने लिया है, लेकिन अब मेरी बहन बैंगलोर में है। अबे टांग में दिखाना, टांग में बाल है मेरे। तो बाकी लोग के नहीं होता क्या? तो मेरे को ज्यादा है। अबे हर दोस्तों, साइकिल मेरी बहन ने लिया था, लेकिन अब मेरी बहन बैंगलोर जा चुकी है, तो अब हमारे पास साइकिल, अब ये साइकिल हमारी हो चुकी है। दोस्तों जैसे कि वो लोग तमाशा कर रहे हैं फालतू साइकिल में, कंटेंट के नाम पे आपको ठगा जा रहे हैं। स्टंट कर रहा थोड़ा कुछ। मेरे को चढ़ाएगा क्या? तू खड़े होकर साइकिल चला, चल दोनों पैर में खड़े हो।
तो दोस्तों ऐसे हरामी साइकिल ड्राइवर से साथ घूमने से पहले आपको हेलमेट लेना जरूरी है। जैसा कि आप देख सकते हैं हम हेलमेट जुगाड़ कर चुके हैं, हम इसे पहनना जरूरी है क्योंकि ऐसे ड्राइवर कहीं फेल देते हैं। डूम थ्री एडवेंचर राइड करने जा रहे हैं, उल्टा बैठ के घूमने जा रहे हैं। और छोटू बहुत खतरनाक ड्राइवर को पहनना चाहिए था ये हेलमेट। अबे तू ड्राइवर, तेरे को क्या, ये तो उल्टा बैठेगा ना, बाल देख के भाई घुसे कल देख रहे। डूम थ्री का शूटिंग चल रहा है, डूम फोर, डूम फोर इसका अलग रोल। ये भाई लोग पागल समझेंगे भाई तेरे को, ये भी करना पड़ता है, लोग पागल समझेंगे तेरे को। ये उतार दे, उतार दे, फुल स्पीड में उतारना जानू, स्लो मोशन ले ले। जानू तो इतना डर क्यों रहा है भाई, हेलमेट पहन रहे। मैं नहीं बैठूंगा भाई, मैं चला लूंगा भले ही। तो हमें अभी मरते मरते ही बचे हैं यहाँ पे, जैसे कि आप देख रखे थे बहुत ही ज्यादा खतरनाक रास्ता था, जरा कैमरा में देखिए यहाँ पे क्या होता है। होता कुछ ऐसा है भाई, हमारी फट के आठ हो गई थी, यहाँ से देखिए ये रास्ता यहाँ से नीचे आप समझ ही सकते, मेरे को दिखाना पूरा काला दिख रहा है। कौन ये ना, दिखता ही नहीं है, ये कभी कैमरे में दिखता ही नहीं, दिख रहा है आपको, दिख रहा है भाई आपको, दिख रहा है आज पता लगता है, आज आपको रेडियम लगाया, रेडियम मुल्तानी मिट्टी का कमाल, मुल्तानी मिट्टी। चलो चलो बंद कर दे, हो गया। चोमन नाथ को WWE 2K20 खेलना है और साले एक तो कंट्रोलर जुगाड़ नहीं कर पा रहा है, प्लीज इसे कमेंट में 2-4 गालियां लिखें। तो कंटेंट नहीं निकल रहा है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं क्या करें तो हम कंटेंट निकलें। अरे तो नेक्स्ट वीडियो के लिए कंटेंट यार, खैर मेरे बाल अभी बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं, लगता है हेयर बैंड लगाना पड़ेगा मुझे। नेक्स्ट वीडियो में कंटेंट ये कि ब्लॉग बनाना छोड़ दो। सबसे पहले दोस्तों डिस्क्रिप्शन से मेरे इंस्टाग्राम, इसके इंस्टाग्राम में जाइए और 4 गालियां लिख के आइए। इससे पहले तो मेरे अपने डिस्क्रिप्शन में मेरा वो डाला इंस्टा आईडी, पिछले व्लॉग में डाला था भाई, तो भी तभी साला 34 फॉलोअर्स हो गए अभी 20 से। ओ माय गॉड दोस्तों, जैसा कि आप सुन ही सकते हैं 20 से 34 फॉलोअर करा दिए हमने इसके, यानी कि पूरे का पूरे 14 फॉलोअर हमने इसके बढ़ाए हैं। अगर आपको भी हमारे चैनल में फीचर होना है तो आप जरूर से हमसे मिलने आ सकते हैं, लेकिन दिया जाएगा, लेकिन वो हमारी मर्जी रहेगी, हम आपको फीचर करना चाहते हैं कि नहीं।